तो हमारा थर्ड पार्ट है, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो है 4/3 सेंटीमीटर। और आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी दो साइड उसके इक्वल हो, यानी बराबर हो। तो इसमें ये 4/3 दिया है, 4/3 सेंटीमीटर। तो आगे बोलते हैं द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पहले लिख देते हैं द बेस ऑफ एन आई एस सी इज इक्वल टू है हमारा 4/3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और आगे बढ़ता है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/2/15। तो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर हो गया इसका, यहां देख सकते हैं 4/2/15 ये सेंटीमीटर इतना उसका हो गया पेरीमीटर। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 15 × 4 = 60, 62/15 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया इसका पेरीमीटर। तो अब हम पता कर सकते हैं कि ये 4/3 है, तो ये दो साइड इसके इक्वल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसका दोनों का लेंथ बताना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इधर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो हमारा इन दोनों का लेंथ क्या है, जो बचे हुए साइड है उसका ये दोनों का लेंथ क्या है। तो इसका लेंथ हम निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो गया हमारा 62/15 माइनस हो गया हमारा 4/3। ये इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि इसका एक साइड हमें 4/3 बता दिया उसने, और इसका पूरा पेरीमीटर यानी तीनों साइड का जो जोड़ है वो है इसका 62/15, ये है इसका टोटल। तो हम सारे साइड्स को एक साइड में माइनस कर देंगे तो इसके दो साइड्स का निकल जाएगा। तो इसका दो साइड्स का निकला है हमारा, इस इन दोनों को 15 और 3 का हम एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 3, तो 5 से जोड़ जाएगा हमारा 15। तो ये हमारा यहाँ 15 हो गया, 15 को करेंगे तो आ जाएगा भाई 62, और माइनस में आ जाएगा 3 × 5 = 20 हो जाएगा हमारा। तो 62 − 20 = 42/15, ये हो गया हमारा दो साइड्स का पेरीमीटर और टू साइड्स। तो अब हमें इसका ये दोनों साइड्स का निकला है, तो हमें एक साइड का निकालना है। तो हम इसको वन साइड लेंथ हो जाएगा 42/15 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, ये हमारा हो गया डिवाइड होगा। तो अब मैं इसको बनाता हूँ, इसका हो गया, आपको पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी एक साइड हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 42/15 है, तो आप इसको 15/42 लिख कर यहाँ इंटू का साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये साइन, और यहाँ हो जाएगा 2/1। तो अब यहाँ काट देंगे हम 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 3, 5 × 15 = 3, 7 × 20 सॉरी करेक्शन फ्रेंड्स, एक करेक्शन है यहाँ पर जो हमारा ये चेंज हुआ है, तो हमारा ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ 42/15 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगे हो जाएगा 1/2, और 2 × 4 = 2 × 2 = 3, 7 × 21 = 3, 5 × 15, इसका आंसर हो गया 7/5, ये हो गया हमारा एक का, इसका हो गया 7/5
और दोनों का हमने निकाला, दोनों इक्वल है तो यहाँ भी हो जाएगा 7/20। तो ये था इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।